नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल अल्ट्रा फिनो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्यों FATF ने फिर से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाले जाने पर रोक लगा दी। पहले बात करते हैं FATF क्या है। FATF का मतलब है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना G7 देशों द्वारा की गई थी। G7 देश यानी कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, UK, US, जापान और इटली है। FATF की स्थापना ईयर 1989 में G7 सबमिट के दौरान हुई। इस सबमिट का आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ। शुरुआती सालों में FATF की जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही मनी लॉन्ड्रिंग की जानकारी रखने तक ही सीमित थी, पर 2001 के बाद आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हो रही फाइनेंसिंग को रोकने की जिम्मेदारी भी FATF ने संभाल ली। तब से लेकर अब तक FATF हर साल दो लिस्ट जारी करता है, पहली कॉल फॉर एक्शन लिस्ट और दूसरी अदर मॉनिटर्ड ज्यूरिसडिक्शन यानी ग्रे लिस्ट है। भारत सन 2010 में FATF का मेंबर बना। अब बात करते हैं FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में क्यों जगा दी। जब भी किसी देश को टेरर फाइनेंसिंग या मनी लॉन्ड्रिंग से एसोसिएट किया जाता है तो FATF उसे सुधरने का एक मौका देता है, जिसमें FATF 27 पॉइंट एक्शन प्लान जारी करता है। अगर वो देश इन 27 पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करने में कामयाब रहता है तो उसे FATF की ग्रे लिस्ट से निकाला जा सकता है। पर अगर हम बात करें कि क्यों कंट्रीज FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल नहीं होना चाहती, उसका कारण है ऐसी कंट्रीज को इंटरनेशनल बॉडीज जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनसे लोन लेने में खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो इस केस में FATF का मानना है कि लश्करे तैबा और जैश मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों को मिल रही फंडिंग पर पाकिस्तान रोक लगाने में नाकामयाब रहा है। और पाकिस्तान अगर आने वाले अक्टूबर तक टेरर फाइनेंसिंग को लेकर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाता है तो उस केस में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में भी डाला जा सकता है। FATF की ब्लैक लिस्ट में ऑलरेडी नॉर्थ कोरिया और ईरान जैसे देश शामिल हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।